ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित किया, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, ये भी कहा कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में नए नियमों के साथ आएगा ताकि देश को वापस एक्शन मोड में लाया जा सके। इन सब की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। अब इसी बीच पीएम ने एक और बात कही, आज पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। इस सदी की शुरुआत में जब Y2K क्राइसिस सामने आया था, तब भी भारत के रिसर्चर्स ने ही दुनिया को इससे निकालने में मदद की थी। ये Y2K का तो मतलब है ईयर 2000। तो कौन सा संकट आया था साल 2000 में जिसका हल भारत ने दिया था? वो Y2K क्राइसिस आखिर था क्या? कंप्यूटर 100 साल पीछे पहुंचे जा रहे थे। साल 2000 शुरू होते ही पूरे देश ने 20वीं सदी से 21वीं सदी में कदम रखा, लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर ये मानने को तैयार ही नहीं थे। कंप्यूटर्स ये पूरी तरह बदला हुआ साल शो ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको आता ही नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरिंग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। कंप्यूटर को सिखाया गया कि जब भी साल बदले तो बस आखिरी दो डिजिट बदलनी है, पहली वाली दोनों वही रहेंगी सेम। जैसे 1989 से 1990 में आए तो पहले की तो दो डिजिट वही रही 19, बाद की दो डिजिट बदल गई 89 से 90। लेकिन साल 2000 लगने के साथ ही मुमकिन नहीं था। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के दो आखिरी अंकों को छोड़कर पहले दो अंक नहीं बदले जा सकते थे। फिर भारत ने क्या किया? भारत में उस समय इंफोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियों की शुरुआत भरी हुई थी। भारत में काफी आईटी टैलेंट तैयार हो रहा था, वो बाकी देशों की तुलना से बेहतर जानकारी वाला था और सस्ते दाम में काम करने को तैयार था। भारत के आईटी टैलेंट ने इस Y2K क्राइसिस को सुलझाने में अमेरिका के प्रोग्रामर्स की काफी मदद की और यहाँ से ही भारत की पहचान आईटी पावर के तौर पर बननी शुरू हुई। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।